तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे तीरे भी चलना चालू हो जाती है, जिससे चेन का हल्का सा दिमाग खराब हो जाता है। कहता कोई बात नहीं, अपन उसका भी सामना यहाँ पे कर सकता है, अपना कोई और फोरबिडन टेक्निक यूज करने को यहाँ पे तैयार। तो कहता भी ब्रिंग इट ऑन, तो सारे बंदे यहाँ पे वही अटैक यहाँ पे करते तीर कमान से, तो अपना फोरबिडन टेक्निक यूज करता है, सारे तीर कमान से बचता है और एक जोरदार हमला करता है, जिससे तीर चलाने वाले बंदे भी मरते, जो भी एल्डर्स लोग डिसाइपल यहाँ पे थे मैक्सिमम की मौत यहाँ पर हो जाती है। बस कुछ यहाँ पे जिंदा रहते हैं, जो कुछ यहाँ पे जिंदा रहते ना उनमें से एक दो कहते भी कि साले भाई तुझे शराब लगेगा, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तूने आज जो मासूम बंदूक यहाँ पे जान निकाली है ना, ऊपर वाला भी तुझे नहीं छोड़ेगा। जो सुनते कहता ऊपर वाला भी नहीं छोड़ेगा, अगर भाई मेरी मौत यहाँ पर हुई होती ना तो हम लोग कभी भी ऐसी बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहते। जो कमजोर नल्ले लोग रहते हैं तुम्हारे जैसा, वो बस फालतू में ऊपर वाले का बहाना यूज करते हैं। जो सुनते लोग कहते भी साले भाई शराब लगे तुझे, भाई तुझे 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 ना यहाँ पे नरक में भी जगह ना मिले। सामने से ये कहता भी मेरी बातें छोड़ो, जो मेरा गुलाम यहाँ पर ना ग्रेट एल्डर, उसको चुपचाप यहाँ पे छोड़ दो, वरना यार मैं तुम्हारी लाशें भी नहीं छोड़ूंगा, लाश को भी टुकड़े टुकड़े यहाँ पे करूंगा। उतने में पीछे से इनके सेट का कोई बंदा लेकर आता भी ग्रेट एल्डर को और कहता वो तेरा गुलाम यही है ना, तो इसके लिए यहाँ पे पक्का आया ना। तो सामने से जो ग्रेट एल्डर है ना वो कहता मास्टर यार मैं तो बस आपका एक छोटा सा गुलाम हूँ, मेरे लिए भाई प्रॉब्लम आपको सहने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन बंदों ने ना टाउ स्टेज के भी ऊपर लेवल के बंदों के बुलाया है, जिसके सामने आप यहाँ पे टिक नहीं पाओगे, आप मर जाओगे, प्लीज यहाँ से निकल जाओ। जो सुन दे चैन कहता भाई आई नो तू मेरा नौकर है, लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर तू भाई मेरा सबऑर्डिनेट है, तो भाई तू जिए या फिर मैं सामने से जीऊँ फर्क यहाँ पे बराबर होता है, तो ये छोड़ के तो बिल्कुल मैं जाने वाला नहीं हूँ। जो सुनते ना ग्रेट एल्डर के भी आंखों में आंसू आ जाते कि ओ माय गॉड, इसने जैसे मुझे जो अस्थि अपना गुलाम बनाया ना, मैं हमेशा से चाहता था कि कैसे इसके चंगुल से बच के निकल जाऊँ, लेकिन ये बंदा मेरे लिए मरने को भी यहाँ पे तैयार हो गया। मैं कसम खा कहता हूँ अगर आज मैं यहाँ से जिंदा बच गया ना, मैं सच्चे दिल से इनकी सेवा पानी करूंगा। जिस बंदे ने पकड़ के लाया था वो भी कहता अल्ले ले ले ले, मालिक नौकर के बीच का प्यार देख के भाई मेरे भी आंखों पिछवाड़े से आंसू आ गए। लेकिन अब मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस कर लिया, चैन के बच्चे तेरे अंदर पावर नहीं बची है, तू बहुत ज्यादा थक चुका है, यानी आज तेरी मौत होगी, ये ले। अभी तरह बोल के तलवार से कटा है कि यहाँ पे कर देता है। चैन भी मनी मन सोचे वेल मेरी पावर वाकई में पूरी की पूरी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, लड़ाई यहाँ पे नहीं कर सकता, यानी शायद यही मेरा खात्मा है, ये ऊपर वाले वापस तेरे पास यहाँ पे आ रहा हूँ। लेकिन तभी बीच में इसकी डिसाइपल ल्यू आ जाती है और वह अटैक रोक देती है और कहती है कि वेल मेरे रहते भर में मेरे मास्टर को कोई हाथ भी लगा नहीं सकता। उसके पीछे एल्डर टोंग और साथ ही में एरे पेवलोन के मास्टर लोग भी आते हैं और नोटिस करते हैं कि इनके सेट के मैक्सिमम बंदों की मौत हो चुकी है, सेट पूरा बर्बाद यहाँ पे हो चुका है, किसने किया भाई, ग्रैंड मास्टर चैन ने यहाँ पे किया, ओ माय गॉड एक नहीं हो रहा। वो लोग सामने से और चौंक जाते, कह रहे हैं तो सपोर्ट करने के लिए इसके ढेर सारे लोग आ गए, हमारे जो सपोर्टर है ना हमारे सपोर्टर अभी तक नहीं आए। सामने से जो ल्यू है ना वो कहते भी चैन से कि भाई क्यों अकेला तो यहाँ पर आ गया, तुझे मालूम नहीं है तुझे कुछ हो जाता मुझे टेंशन यहाँ पर होती। जो सुने सामने से चैन कहता है यार क्योंकि मुझे पक्का भरोसा था कि बाई चांस गलती से कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो भाई मेरी मौत हो सकती है, तुम मेरे साथ आती तुम्हारी भी मौत यहाँ पर हो जाती, कोई भी तुम्हारे साथ आता मतलब मेरे साथ आता सबकी भी मौत यहाँ पर हो सकती थी, मेरे जान से ज़्यादा कीमती भाई तुम्हारी जान है ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी यहाँ पे मरे। जो सुनते ना सामने से ये कहती टेंशन मत लो, मेरे दरबार में तुमको कोई भी चोट नहीं पहुँचा पाएगा, सारे जो भी बंदे यहाँ पे जिंदा थी ना उनसे कहती भाई कोई भी बंदा अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की सबको मार डालूंगी। ये लो एक जोरदार अटैक यहाँ पे कर भी देती है, लेकिन तभी सामने से एक और जोरदार अटैक यहाँ पर आता है जो अटैक ल्यू के अटैक को रोक देता है। तो सामने से ये भी नोटिस करता है कि भाई ये अटैक तो कोई ऐसे वैसे बंदे का नहीं बल्कि वॉरियर का है, यानी टाउ स्टेज के भी समझे ऊपर लेवल के बंदे का अटैक है, जिसके बारे में लोग यहाँ पे बातचीत करते हैं। हमें से डू नाम का बंदा उड़ते हुए नीचे आता है और कहता है ओहो, तो सामने से भाई तू है भाई जिसको मारने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया, फिर तो तू मरेगा। तो सामने से यहाँ पे चैन भी कहते कि अच्छा भाई तू मुझे मारेगा, एक बात मुझे यहाँ पे बताओ, सबसे पहली बात है तुमने जान पहचान यहाँ पे किया नहीं है, सवाल यहाँ पे पूछने की किसके यहाँ पे गलती है, सीधे मेरे ऊपर अटैक करने का डिसाइड किया, ये तो गलत बात है। जो सुनते डू नाम का बंदा कहता देखो सबसे पहली बात है यार मेरा काम है भाई इन सेट के यहाँ पे प्रोटेक्शन का नाम, तो भाई मैं ज्यादा पूछूंगा पूछूंगा नहीं, सीधे अपन यहाँ पे अटैक करेगा। इतना बोलते सीधे चैन पे अटैक करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ जाता है, तो ल्यू आगे यहाँ पे बढ़ती है और ये भी अटैक यहाँ पे करती है, जिससे भाई ये ल्यू कमजोर थी उसके मुकाबले, तो ल्यू को यहाँ पे छोड़ लगता है, पीछे चैन संभालता है और कहता है ल्यू तुम ठीक हो ना, सामने से वो कहती है हाँ यहाँ पे मैं ठीक ही हूँ। सामने से डू नाम का बंदा कहता है वाह यार कितना प्यारा कपल है यार, कोई बात नहीं ये तो तुम्हारे लिए बढ़िया ना, साथ ही में तुम्हारी यहाँ पे मौत हो जाएगी, तो साथ में मरने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाओ। फिर से अटैक करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ता है, लेकिन इस वजह ल्यू है ना अपना एक टोकन निकाल लेती है जिसमें सेट का नाम वगैरह लिखा हुआ था, वो इससे ये साबित होगा कि सेट के मैं मेंबर हूँ, दिखाती है भाई मेरा सेट तुझे मालूम है एम्पायर सिटी में सेट का नाम है, उस सेट के लीडर की अपन यहाँ पे बेटी है, अगर तूने मुझे या फिर मेरे मास्टर को कुछ यहाँ पे किया ना यार हमारा सेट तुझे पूरा बर्बाद कर देगा। जैसे वो देखते कह रहे बाप रे भाई ये टोकन तो यहाँ पे रियल है, एम्पायर सिटी सेट के लीडर की यहाँ पे बेटी है, फिर ये फालतू से आदमी के साथ यहाँ पे ये क्या कर रही है, आखिरी आदमी है कौन, मेरे पास भी शायद कोई रास्ता नहीं है, मुझे पीछे यहाँ पे आना पड़ेगा। वो अटैक नहीं करता, पीछे आ जाता, मनी मन सोचता है कि बोल वाक्य में यार मैं कमाल का वॉरियर हूँ, लेकिन इनके सेट के मुकाबले अपन में यहाँ पे काफी नल है, लेकिन इनको तो मार सकता हूँ, सारे बंदे जो है ना उनको मार सकता हूँ, एक काम कर
करना है, बस इन दोनों को जान से मारना है। और यहाँ पे जो भी बंदे कान देख रहे ना, मुझे सारे बंदों को मारना पड़ेगा ताकि भाई उनका जो सेट एम्पायर सिटी उनको कभी मालूम ही ना चले। तो ऐसा प्लान उसके दिमाग में आ चुका था। सामने से चेन को भी ऐसा आइडिया लगता है कि भाई उसके अंदर अभी भी ऐसा किलिंग और महसूस हो रहा है, यानी वो अभी भी मारना चाहता है हमको। सामने सुडू नाम का बंदा कहता है जो मार्शल आर्ट काउंसिल है ना, अपन उसका मेंबर है और अपन काम है पूरे दुनिया में जो भी सेट में जो भी कांड हो रही ना उसको देखना, वो लोग क्या क्राइम करो उसके बाद यहाँ पे सजा देना। चेन ने जो आज यहाँ पे किया वो भी क्राइम है, तो इस क्राइम का सजा उसको यहाँ पे मिल के ही रहेगा। सामने से अभी यहाँ पे मुझे नहीं रोक सकती। जो सुनते सामने से लियू कहती है मास्टर आप यहाँ से भागो, मैं इसको रोकने की पूरी कोशिश करती हूँ। जो सुनते चेन कहता ना मेरे हथियार में कोई मेरे बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तुम नीचे रुको मैं जाके फाइट यहाँ पे करता हूँ। फाइट करने के लिए यहाँ पे आगे आ जाता है तो डू नाम का बंदा भी कहता है अच्छा बेटे तुझे वाकई में लगता है तो अपनी इस लेवल के साथ मेरा मुकाबला कर सकता है। वो सामने से अपना फॉरबिडन टेक्निक यूज करता है जिसके बाद उसका पावर भी ना इंक्रीज होकर वॉरियर स्टेज के बराबर, यानी उस डू नाम का जो बंदा ना उसके स्टेज के बराबर आ जाता है। तो सामने से वो डू भी चौक जाते हैं, अरे बाप रे भाई कौन सा फॉरबिडन टेक्निक तूने यहाँ पे यूज कर लिया जिससे तेरा लेवल मेरे बराबर हो गया। सामने से चेन कहता है भाई हाँ इसी पावर से तेरी बैंड बजाऊंगा। और डू कहता है भाई फर्क नहीं पड़ता तूने कोई से फॉरबिडन टेक्निक यूज किया होगा, लेकिन आज तू भी तो मेरे हाथों से यहाँ पे मरेगा। ये अटैक यहाँ पे करता है तो चेन भी एक अटैक करके उसको दूर ऐसा ढकेल देता है। तो वो डू भी नोटिस करते कह रहे यार तू तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया, लेकिन डोंट वरी तू भी अपन तेरी जान निकालेगा, तेरी जान निकाल के तेरे जो फॉरबिडन टेक्निक है ना वो सारे के सारे मेरे यहाँ पे हो जाएंगे। तो सामने से जो सुनते चेन बोलते मैंने बोला ना आज यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसकी औकात हो मुझे यहाँ पे मारने की, तो तेरी भी औकात यहाँ पे नहीं रहेगी। और ये ले और डू नाम के बंदे पे जोरदार अटैक करता है जिससे उसको चोट लगती है और ढाम से नीचे जाके गिरता है। और वो बंदा भी चौंक जाता है कि अरे बाप रे यार ऐसे कैसे यार ऐसे कैसे, ये बंदा ओरिजिनली खाली ओरिजिन स्टेज पर है, इसने बस फॉरबिडन टेक्निक लगा के भाई हल्का सा कुछ समय के लिए पावर इंक्रीज किया और मेरी बैंड यहाँ पे बजा दिया। सामने से चेन कहता है बेटा मैंने कहा था ना मरेगा मदद तो यहाँ पे मरेगा। वो कहता देख ले भाई मैं कोई ऐसा वैसा बंदा यहाँ पे नहीं हूँ, मार्शल आर्ट काउंसिल का मेंबर यहाँ पर हूँ, तूने अगर मुझे कुछ किया ना तो भाई मार्शल आर्ट काउंसिल तुझे छोड़ेगी नहीं। जो सुनते सामने से चेन बोलते जब मेरा पेयर लेस्टेड भाई नंबर वन के यहाँ पे थी ना उस समय तुम्हारा जो मार्शल आर्ट काउंसिल था ना उसकी भी कोई औकात यहाँ पे मेरे सामने बिल्कुल यहाँ पे नहीं थी। लियो चलो यार हम लोग यहाँ पे वापस जाने वाले हैं, और यही बात कि मैंने कहा कि तेरी जान निकालूंगा लेकिन छोड़ देता हूँ कि भाई तेरी जान निकालना उतना भी नीचा मेरा औकात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात तेरा मार्शल आर्ट काउंसिल का कोई बंदा यहाँ पर आया जिसने मुझे रोकने की या फिर कुछ भी करने की कोशिश की ना तो उस बंदे की पक्का यहाँ पे मौत होगी। देखना वापस से भाई हम लोग नंबर वन बनेंगे फिर तुम सब यहाँ पे रोगे धोगे। और इतना बोल के जाने को तैयार है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।